तो गाइज आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन का लड्डू बनाया है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो देखिए कैसा लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना कृष्णा। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू, जो सभी को पसंद होता है। मेरे घर में भी सभी को पसंद है। तो गाइज आज इसके लिए मेरे घर में बेसन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं दाल से बेसन को पीस लूँ। तो मैं आ गई हूँ दाल पीसने। तो मैं दाल ले लिया है, लगभग आधा केजी के समथिंग मेरे पास दाल पड़ा हुआ था। तो मैंने दाल लिया है और मशीन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया था मैंने, और मशीन में मैंने दाल को डाल दिया। तो इस तरीके से ये अभी 5 से 10 मिनट में पीस के रेडी हो जाएगा बेसन। तो एक्चुअली क्या होता है कि लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन थोड़ा मोटा ही पीसना होता है, पतले बेसन से लड्डू अच्छा नहीं बनता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन को मोटा पीस लिया है। तो हमारा बेसन पीस के रेडी हो चुका है और अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकालने जा रही हूँ। तो गाइज मुझे ज़्यादा मोटा बेसन की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए मैंने कम ही यहाँ पे बेसन को पीस लिया है और अब इसका लड्डू बहुत ही अच्छा बनने वाला है। मैं जा रही हूँ फटाफट से लड्डू बनाने। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है और अब मैं कढ़ाई को भी गैस पर गर्म होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बाउल घी ऐड कर लिया है और 4 बाउल बेसन। अब मैं इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। इसको इतना भूनना है कि इसमें से, मतलब जब तक लड्डू का खुशबू नहीं आने लगे तब तक बेसन को हमें अच्छे से भूनते रहना है। इतना भूनना होता है जब तक इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जब तक इसको भूनते रहना है और बीच में इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इसको भूनना है। तो भूनते भूनते इसमें देखिए इस तरीके से घी किस तरीके से छोड़ना शुरू हो गया है, बेसन से घी अलग होने लगा। इसके लिए हमारा टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, तभी हमारा लड्डू अच्छे से बनेगा और घी भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा छूटना चाहिए। तो गाइज मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें चीनी ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे चीनी 1 बाउल लिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है। तो गाइज बेसन का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर लिया है। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद गैस को ऑफ करके इसका गर्मा गर्म ही लड्डू तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से इसे कर लेना है, ठंडा होने से पहले लड्डू बना लेना है, नहीं तो फिर लड्डू अच्छे से बंधेगा नहीं। तो गाइज आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन का लड्डू बनाया है, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो चलिए पहले तो बच्चे को टेस्ट कराने जा रही हूँ, उसको कैसा लगा जानते हैं उससे। तो खा के बताओ कृष्णा, तुम भी लो, अभी खा के बताओ कैसा है। कैसा लगा लड्डू आप लोगों को? तो गाइस ये लड्डू बच्चों को बहुत पसंद आए हैं, तो अब मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ, आप लोग भी टेस्ट कर लो और टेस्ट करके बताना कि ये लड्डू कैसा लगा आप लोगों को। गाइस आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।